तो दोस्तों इंडिया के अंदर हमें वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट 2 और पोको A3GT स्मार्टफोन देखने को मिला, जो कि दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ हमें देखने को मिल गए। बट यहाँ पर जो मोटोरोला है वो काफ़ी अमेजिंग स्पेक्स के साथ नेक्स्ट मंथ अपना मोटो S20 को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छे से टक्कर देने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको 108 मेगापिक्सल्स के कैमरे का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मोटोरोला मोटो S20 के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि कम्पीट करने वाला है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1200 के पावरफुल चिपसेट के साथ, जो कि हमें इंडिया के अंदर पोको F3GT और वन प्लस नॉट 2 के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए, जो कि मीडियाटेक की जगह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि यही सिमिलर चिपसेट जो है वो हमें Realme GT Master Edition के अंदर चाइना में देखने को मिला है। तो नो डाउट कि आपको परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो आपको 4000mAh की एक पावरफुल बैटरी इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। बट फास्ट चार्जिंग यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि आपको 30W का देखने को मिलेगा, 50W का देखने को मिलेगा या फिर 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई और डिटेल निकल कर सामने आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। और अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस का हाई क्वालिटी रेंडर इमेज जो है वो निकल कर सामने आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है ट्रिपल रियर कैमरे के सपोर्ट के साथ। और प्राइमरी कैमरे की अगर बात की जाए तो आपको 108 मेगापिक्सल्स का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल्स का आपको एक मैक्रो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में हो सकता है कि आपको टेलीफोटो लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। तो कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, जो कि सीधे सीधे कम्पीट करने वाला है वन प्लस नॉट 2 के साथ। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप मोटोरोला का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपकी कैमरा की क्वालिटी कैसी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको 6.67 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि 120Hz के एक हायर रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि सिमिलर होगा पोको F3GT के जैसा ही। और यहाँ पर आपको उसी के जैसा सेंटर पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल्स के सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो आपको जैसा कि पता ही है कि मोटोरोला के स्मार्टफोन में हमें स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 के साथ स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ़ोन की थिकनेस आपको 8.9mm देखने को मिलने वाली है और साथ ही में आपको USB टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों मोटोरोला S20 की जो प्राइसिंग है वो आपको 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में देखने को मिलने वाली है। और अगर हम बात करें इस डिवाइस के लॉन्च डेट की, तो इस डिवाइस को इंडिया में नेक्स्ट मंथ में लॉन्च किया जाने वाला है। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।